नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा सातवीं विषय हिंदी एक कहानी दादी माँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ कहते ही हमें ये जहन में आ जाता है कि हमारी दादी और दादी का प्यार, स्नेह, ममता, सारी बातें हमें याद आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो जब मम्मी पापा से डांट पड़ती है तब दादी माँ का जो बचाव है वो याद आती है। उसी तरह से लेखक शिव प्रसाद सिंह जी अपनी इस लेखन में अपनी और अपनी दादी के बारे में कहानी लिखते हैं। अब हम कहानी की ओर चलते हैं। लेखक छोटी सी कठिनाई आने पर वो उनका मन अनमना सा हो जाता है। इसका अर्थ है कि छोटी सी जो कठिनाई आती है उससे वो घबरा जाते हैं और वो फिर सोचने लगते हैं कि बारिश, धूप, गर्मी, ठंडक, ये सारे जो है अलग अलग तरह के मौसम आए गए, 200 बार आए गए, इसकी तुलना वो करते हैं कि ज़िंदगी में भी दुख और सुख बार बार आता जाता रहा है, लेकिन मैं इस तरह से कभी नहीं घबराया। अब उनके जो दोस्त होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं, वो उनसे आकर के कहते हैं कि अब छुट्टी आ रही है या छुट्टी की सूचना देते हैं, तब लेखक खुश हो जाते हैं और उनके जो शुभ चिंतक हैं वो उनके पीठ पीछे जा कर के उनका मजाक उड़ाते हैं। लेखक को भी ये पता होता है, लेखक कहते हैं अपने मन में कि मैं इनके बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो ठीक उसी प्रकार हैं जैसे शरद ऋतु में एक ओस की बूंद होती है रात में, और जैसे ही सवेरा होता है सूर्य का प्रकाश आते ही वो क्षण भर में वाष्प बनकर उड़ जाता है। ऐसे ही मेरे जो शुभ चिंतक हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ कुछ समय के लिए मजाक करते हैं, उसके बाद वो भी भूल जाते हैं और मैं भी भूल जाता हूँ। इसी समय लेखक को अपने गांव की बातें याद आती हैं। वो सोचने लगते हैं कि गांव के वो दिन जब वो बचपन में गाँव में खेला करते थे, क्वार के दिन से पहले जो है बारिश होती है, बारिश जब होती है तो बारिश अपने साथ पेड़ पौधे, पत्तियां, घास सभी जो है बहाकर तालाब में ले आते हैं। तो वो कहते हैं कि वो तालाब में जो है बहुत सारे पानी भर जाते हैं, लेकिन जब कुंवार का समय हो जाता है, जब तापमान बढ़ जाता है, तब वो उस तालाब की जो पानी है वो सूखने लगता है और वहाँ पर किनारे पर कीचड़ होने लगता है। सारे बच्चे जो है उस कीचड़ में जाकर के खेलते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं उसे भुला नहीं पाता, चाहे गर्मी के समय में आम ना मिले, जामुन ना मिले, दुखी नहीं होता हूँ, लेकिन जब कुंवार के समय में मैं उस कीचड़ में जाकर ना खेलूँ तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। और वो उसी तरह से सोचते हुए अपनी दादी के घर जा रहे होते हैं गर्मी की छुट्टी में। तो देखते हैं कि रास्ते में सारे बच्चे, गर्मी की छुट्टियाँ आते ही हम सभी जिस प्रकार अपने नानी के घर या दादी के घर, मामा के घर जाते हैं, उसी प्रकार लेखक भी अपनी दादी के घर जाने के लिए निकलते हैं। और वो देखते हैं कि सारे बच्चे, उनके उम्र के जो बच्चे हैं, सभी उस कीचड़ में खेल रहे होते हैं। तो लेखक अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उस कीचड़ में कूद जाते हैं। जब वो सारे बच्चे मिल करके उस कीचड़ में खेलते हैं तो उस जमा चौकड़ी में वहाँ जो कीचड़ से जो झाग निकलते हैं वो देखने में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से खेल के जब वो गांव में पहुँचते हैं, तो गांव में पहुँचते ही लेखक जब नहाते हैं, नहाने के बाद उनको बुखार आ जाती है, बुखार आने के बाद उनके बदन जो है वो गर्म हो जाते हैं और उनको सर दर्द होने लगता है। तो लेखक सोचते हैं कि मुझे तो बुखार आना बहुत अच्छा लगता है। लेखक जो है वो बुखार को पसंद करते हैं, क्योंकि बुखार के दिनों में क्या होता है कि हल्के हल्के सर दर्द होते हैं, बदन दर्द होते हैं, और साथ ही जो है उनको आराम करने के लिए दिया जाता है और उनको खिचड़ी दी जाती है, साबूदाने की खिचड़ी दी जाती है और उसके साथ नींबू का अचार दिया जाता है, और इस बुखार को जो है लेखक पसंद करते हैं। लेकिन इस बार की जो बुखार है वो ऐसी हुई कि वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को 12 बजे तक जो है सभी लोग रजाई पर रजाई उड़ाए जा रहे थे, लेकिन लेखक का बुखार जो है वो उतर नहीं रहा था। दादी माँ देखती है कि अरे बच्चे को बुखार आ गई है। दादी माँ बाहर जाती है और जल्दी से स्नान करती है। स्नान करके वो उस गीले कपड़े में ही वापस आती है। उनके दादी माँ के जो सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद बाल से पानी टपक रहा होता है और दादी माँ किसी शक्तिशाली चबूतरे से
मिट्टी ले आती है और अपने पल्लू में गांठ बांधकर लाती है और बच्चे के पास आकर के बच्चे लेखक का सिर और पेट में हाथ लगाकर देखती है कि उनको कितना बुखार है। उसके बाद उस गांठ को खोलती है आंचल से और वहां से जो मिट्टी लाई है उस मिट्टी को बच्चे के मुंह में खिलाती है और उसके माथे पर भी लगा देती है और वहीं चारपाई तान कर बैठ जाती है लेखक की सेवा करने के लिए। बार बार उसके माथे को हाथ लगाकर देखती है। दादी माँ दालचीनी को पीस करके उसके माथे पर लगाती है और ये भी ध्यान रखती है कि कोई बाहर से इस बीमार बच्चे के पास ऐसे ही चला ना आए, क्योंकि हमारी परंपरा है कि हम बाहर से जब भी आते हैं तो अपने हाथ पांव धो करके आते हैं अंदर, क्योंकि ये बच्चा बीमार था। दादी पुराने जमाने की थी, जिस प्रकार अभी हम देखते हैं कि कोरोना के समय में भी हम हाथ को सैनिटाइज करके ही हम आते हैं, तो पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था कि बाल्टी में पानी बाहर रख दिया जाता था और जो भी बाहर से अंदर आते थे वो हाथ पर धोकर ही अंदर आते थे। उसी परंपरा को हम दोबारा अभी अपना रहे हैं। तो दादी माँ इसका पूरा पूरा ध्यान रखती थी कि जो भी इस बच्चे के पास आ रहा है क्या वो हाथ पर धो करके आ रहा है या फिर ऐसे चला आ रहा है। और बच्चे की जो खिचड़ी बनाई गई थी, वो बीमार था तो उस खिचड़ी को वो बहुत अच्छी तरह से देखती है कि कहीं चावल और दाल ऐसे गोटे गोटे तो नहीं रह गए या पक गए या और बाकी है उसका पकना। तो इस तरह से सब कुछ देख करके उस बच्चे को बार बार छू करके वो देखती रहती है, उसका पूरा ख्याल वो रखती है। तो लेखक कहते हैं कि आज भी बुखार आती है, लेकिन आज के बुखार और उन दिनों के बुखार में दोनों में अंतर है। आज के बुखार में क्या है कि डॉक्टर आते हैं, नाड़ी पकड़ कर देखते हैं और कुनीन की गोली देकर चले जाते हैं, और जो महाजन है वो आता है और आ करके खिचड़ी बना करके उनके सामने दे देता है और वो खा लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जो डॉक्टर है वो कुनीन की इतनी कड़वी गोली देते हैं, तीता तीता माने इतना कड़वा गोली देते हैं कि उस गोली के कड़वेपन से ही जो है बुखार के नाम से ही जो है बुखार भाग जाता है। लेखक दादी माँ के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी इतना घरेलू उपचार जानती थी कि वो मलेरिया में क्या करना है, निमोनिया में क्या करना है वो बता देती थी। जैसे हम भी जानते हैं कि जब भी हमें कुछ छोटी मोटी जैसे सर में दर्द हो गया तो उस दर्द के लिए हमें क्या करना है, हम दादी माँ से पूछते हैं। अपने घर की जो दादी माँ है वो भी हमें छोटा मोटा इलाज बता देती हैं, जैसे काली मिर्च और तुलसी ले लेना या काली मिर्च और मिश्री ले लेना। तो इस तरह से लेखक की जो दादी थी वह भी इसी तरह के नुस्खे बताया करती थी और पूरे गाँव के लोग जब भी कभी बीमार पड़ते दादी माँ को लेने के लिए आ जाते और दादी माँ जा करके सबसे पहले उनको देखती है कि उनको क्या हुआ है, निमोनिया हुआ है, मलेरिया हुआ है, पीलिया हुआ है, क्या हुआ है वो देखती है। उसके बाद उस जो बीमार व्यक्ति है उसके आसपास की सफाई को देखती है, उनके खान पान को क्या देना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं वो बताती हैं। तो इस तरह से सारे गाँव की औरतें जो है या गाँव वाले दादी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उनके इलाज के लिए वो सभी उनको ले जाया करते थे। गांव में किसी प्रकार की अगर महामारी आ जाए तो दादी माँ धूप का धुआं उसमें गोबर डाल करके पूरे जगह में वो धूप का धुआं दिया करती और सभी को साफ सफाई बरतने के लिए भी कहा करती थी। ऐसी थी लेखक की दादी। उसी समय गाँव में लेखक के भाई किशन के शादी की तैयारियां हो रही थी। उस तैयारी में दादी माँ बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी, ऐसे लग रहा था मानो सारा काम दादी माँ के सर पर है, क्योंकि जो बुजुर्ग होता है वो जिम्मेदार होता है। तो इसी तरह से दादी माँ भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। गांव की सारी औरतें दादी माँ को बुलाने के लिए आती तो दादी माँ कहती घर परोजन का है, मतलब घर में शादी होने वाली है, इसलिए बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, मैं नहीं आ सकती। जिस प्रकार गांव की शादी में सारे गांव के लोग मिलकर के वहां तैयारियां करते हैं, आसपास की सफाई करते हैं, सामने आंगन को साफ किया जाता है, उसमें सामियाना बिछाया जाता है ताकि उसमें बाराती आए, गांव की सफाई की जाती है, गांव के आंगन को सजाया जाता है और वहां पर बाराती आकर के बैठते हैं। इस तरह से कई प्रकार के कार्य जो है गांव में होते हैं, क्योंकि शहरों में जो है हॉल होता है तो हॉल में ले जाकर के शादी करवा देते हैं, लेकिन गांव में आज भी ऐसी स्थिति है कि वो सभी लोग अपने घर के आंगन में ही शादी कराना पसंद करते हैं। तो दादी माँ के लिए भी अब बहुत सारे काम थे।
गांव में शादी का माहौल था। घर में बहुत सारे काम थे। दादी माँ अपने कामों में लगी हुई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सारे काम मेरे जिम्मे हैं, क्योंकि जो घर के जो बुजुर्ग होते हैं वह जिम्मेदारी निभाते हैं। तो इसी प्रकार दादी माँ भी हर एक काम को अपनी निगरानी में देख रही थी। गांव की सारी औरतें मिलकर आ जाती हैं, आकर दादी को बुलाती हैं, तो दादी कहती है, नहीं, घर परोजन का है, यहाँ घर में शादी होने वाली है, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती। और दादी माँ हर एक काम को बड़े कायदे से देख रही थी। लेकिन गांव की सारी औरतों को यह पता था कि दादी माँ कुछ काम करने वाली नहीं है, सिर्फ उनकी उपस्थिति ही बहुत है, बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति ही बहुत होती है ऐसे शुभ अवसरों पर। ऐसी थी लेखक की दादी माँ, जिन्हें गांव के सभी लोग पसंद करते थे। लेखक क्या देखते हैं कि वो बाहर से आ रहे हैं और दादी माँ आंगन में किसी को डांट रही है। वह है धन्नो। धन्नो को कहती है, धन्नो तुमने मुझसे रुपए लिए थे, अब तो मैं सूद सहित लूंगी तुमसे। तो धन्नो अपने आंचल को पकड़ करके दादी माँ से कहती है कि दादी माँ मैं कैसे पैसे दे सकती हूँ, अगले फसल में मैं दूंगी। तो दादी माँ बिगड़ जाती है और कहती है कि अगले फसल में दूंगी, यही कहती है, तुम्हारे लिए क्या दूसरी फसल कटेगी, ऐसे डांटती है दादी। तो लेखक दादी से कहते हैं, दादी यह बेचारी है, यह गरीब है, यह कैसे पैसे देगी। तब उनकी दादी जो है उनको डांट लगाती है कि तू बीच में ना बोल, और लेखक जो है आंगन की ओर आगे चले जाते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं। लेखक एक दिन सामने से आ रहे होते हैं कि उनको धन्नो मिल जाती है और वह कहती है कि आपकी दादी बहुत अच्छी है, दूधो नहाओ पूतो पलो, यह दुआ जो है दादी के लिए देती है। तो लेखक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उस दिन तो यह गिड़गिड़ा रही थी और दादी इसे डांट रही थी, आज यह दादी को दुआएं दे रही है। तो वो सामने से धन्नो को पूछ लेते हैं कि क्या हुआ रामी की चाची, आपने ऐसा दुआ क्यों दिया। तो वो कहती है, ये बड़े लोग हैं बेटा, पैसे देकर अगर डांटेंगे भी नहीं तो क्या लाभ है, क्योंकि इन्होंने सामने से आकर मुझे मेरे सारे सूद के पैसे भी नहीं लिए और पहले के पैसे भी नहीं लिए, और सामने से 10 रुपया दे करके उन्होंने मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया है और कहा है, धन्नो तेरी बेटी जैसी वैसी मेरी बेटी, क्या 5-10 रुपए के लिए हम अपना रिश्ता बिगाड़ दें। लेखक के भाई किशन के विवाह के दिन आ गए, जब सारे गांव की औरतें मिलकर के, गांव का एक अपना माहौल होता है, सारे औरतें मिलकर के 3-4 दिन संगीत गीत गाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ का एक रीत है कि जिस दिन शादी होती है उसके पहले दिन के रात में सभी औरतें मिलकर के, खाली औरतें ही होती है वहाँ में, और वो सारी औरतें मिलकर के एक कथा करती हैं, जिस कथा में सारे पात्र औरतें ही होती हैं, और सभी मिलकर के विवाह से लेकर के पुत्र उत्पत्ति तक की सारी घटनाओं के बारे में वो अपना अपना अलग अलग पात्र का किरदार निभाते हैं। तो जब लेखक तो बीमार थे इस वजह से वो बारात में गए नहीं, तो दादी माँ क्या करती है कि उसे अपने पास ही चारपाई पर सुला लेती है। तो औरतें जो है वो कहती हैं कि नहीं, ये लड़के यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि सारे औरतों का ही ये समारोह था। तो उसके जो मामा के जो बेटे हैं राघव, वो भी बारात में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके आने तक जो है बारात निकल चुकी होती है। तो राघव उसके मामा के जो बेटे हैं वो जाकर के आंगन में सो जाते हैं, और जो की औरतें कथा कर रही होती हैं, उनका अभिनय चल रहा होता है, और उनके अभिनय के जो शब्द हैं वो लेखक के कानों तक आती है, क्योंकि वो चादर ओढ़कर सोने की कोशिश कर रहे थे, सोए तो नहीं थे। तो उनकी आवाज़ जब कानों पर आती है तो इनकी हंसी निकल जाती है, और ये हंसी को दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन इनकी हंसी निकल जाती है। तो देवू की माँ जो है वो इसे देख लेती है और आ करके इसकी चादर खींचने लगती है। देवू की माँ एक और चादर खींच रही होती है, एक और लेखक उसके मुंह को, अपने मुंह को ढकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। हाथापाई का अर्थ यहाँ पर यह है कि दोनों चादर अलग अलग ओर को खींच रहे हैं। तो फिर उसके बाद दादी माँ देख लेती है, और दादी माँ देख करके कहती है कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है, इसलिए बच्चे को परेशान मत करो। फिर देवू की माँ उसे छोड़ देती है लेखक को। दूसरे दिन सवेरे देवू की माँ दादी से मिलती है और कहती है, चाची यह जो लड़का है यह वही लड़का है जो कल रात में मिला था।
लेखक दादी के पीछे भागकर छिप जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हम किसी बच्चे को डराने की कोशिश करें तो वो बच्चा दादी के पीछे या पापा के पीछे या मम्मी के पीछे जाकर के छिपने की कोशिश करते हैं। छिपने का अर्थ यह है कि वो सोचते हैं कि हमें ये अभयदान मिल जाएगा। अभयदान की मतलब क्या है कि हमें माफी मिल जाएगी, दादी जो है हमें बचा लेगी इस देवू की माँ से। वो सोच करके वो दादी के पीछे जाकर के छुप जाता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेखक उन दिनों को याद करते हैं, दादी माँ का प्रेम स्नेह ममता याद कर वो गदगद हो जाते हैं और अपने मन में ये सवाल करते हैं कि क्या उन दिनों की परिस्थिति थी कि हम इतने खुश थे, हमारी दादी इतनी जानी मानी जाती थी और आज की दादी है कि अक्सर उदास रहती है। उनके उदास रहने का कारण है दादाजी। दादाजी की मृत्यु हो गई और वे उदास रहने लगी। उनका मानना था कि दादाजी ने उन्हें धोखा दिया है। वो धोखा इसलिए दिया है, वो सोच रही थी, क्योंकि दादाजी अक्सर कहा करते थे तू पहले चले जाएगी, उसके बाद मैं आऊंगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि दादाजी पहले चले गए, यानी दादाजी की मृत्यु पहले हो गई और दादी अभी है और दादी दादाजी को याद कर बहुत मायूस और उदास रहती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद से ही दादी उदास और मायूस रहने लगी। जिस दिन दादाजी की मृत्यु हुई उसके बाद से ही सारे लोग मुंह पे राम बगल में छुरी जैसे व्यवहार करने लगे। सारे लोगों ने मिल करके पिताजी से यह कहा कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई है तो श्राद्ध को बहुत आडंबर से करना चाहिए, बहुत ही बड़े पैमाने पर करना चाहिए। और पिताजी भी मान गए, जबकि दादी जी ने मना किया था कि इतने पैसे खर्च मत करना, लेकिन पिताजी नहीं माने और पिताजी ने अतुल्य संपत्ति खर्च कर दी जो कि घर के लिए जरूरी थी। दादी के मना करने के बावजूद भी पिताजी ने ये पैसे खर्च कर दिए। एक दिन माघ यानी जनवरी के ठंड भरी रात में दादी नहा कर आती है और आने के बाद गीले कपड़े से घर के एक कोने में रखे संदूक के ऊपर एक दिया जलाती है और हाथ जोड़कर उसके सामने बैठी दिखाई देती है। लेखक दौड़कर दादी के पास पहुंच जाते हैं और उनके पास जाकर बैठते हैं और बैठ करके वो देखते हैं कि दादी माँ जिनकी आँखों में दुलार प्यार ममता स्नेह हुआ करता था उन्हीं आँखों में अश्रुधार हैं। अश्रुधार का अर्थ है आंसू, आंसू दिखाई दे रहे थे। लेखक ने दादी से पूछा, दादी माँ आप रो रहे हो? दादी अपनी आंसू को छुपाने के लिए, दादी माँ अपने आंसू को छुपाने के लिए वो कहती है, नहीं नहीं चलो चलो मैं तुझे खाना खिला देती हूँ, तुम्हें भूख लगी है ना, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। लेखक उनसे कहते हैं, दादी माँ आप ये गीले वस्त्र बदल लीजिए, तो वह कहती है कि मुझे बेटा अभी सर्दी और गर्मी नहीं लगती है। और वह जो है लेखक के हाथ पकड़ती है और पकड़ करके रसोई में ले जाती है और खाना खिलाकर उसे सुला देती है। दूसरे दिन सवेरे उठ करके लेखक क्या देखते हैं कि एक चारपाई पर पिताजी और किशन भैया बैठे हुए हैं बड़े मायूस से और दोनों बातें कर रहे हैं कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि जिन लोगों को हमने पैसे दिए हैं वहाँ से पैसे आ भी नहीं रहे हैं और घर में भी अभी पैसे की बहुत तंगी है। दादी माँ बड़े प्रेम से पिताजी के सर पर हाथ फेराती है और वो कहती है कि बेटा मैं अभी हूँ ना। तो ये जो शब्द होते हैं ये बहुत ही हिम्मत देने वाले शब्द होते हैं। जब भी हम कभी निराश होते हैं या कक्षा में नंबर कम आते हैं तो हमारे पिताजी अगर हमारे सर पर हाथ रख के कहते हैं कोई बात नहीं बेटा अगली बार आप अच्छा करोगे, वो जो सांत्वना वाले शब्द हैं वही शब्द को दादी ने पिताजी के साथ किया। पिताजी के सर पर हाथ रखते ही पिताजी को ऐसा लगा मानो मेरे सर पर छत आ गई हो। दादी माँ जाती है और जा करके संदूक खोलती है अपनी और संदूक खोल करके एक चमकती हुई कंगन लेकर आती है और आने के बाद वह कंगन पिताजी को देती है और कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने यानी दादाजी ने इसे बड़े शौक से बनाया था लेकिन मैंने उसे पहना नहीं, मुझे पता था कि देर सवेर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो आगे की सोच कर चलते हैं। तो इसी प्रकार दादी को भी पता था कि कभी घर में ऐसी मुसीबतें आएँ तो मैं इस कंगन को प्रयोग में ला सकती हूँ और वो कंगन पिताजी को देख करके उनको सांत्वना के शब्द कहती हैं। दादी माँ के कंगन देते
वक्त लेखक देखते हैं, इसलिए दादी माँ के उस प्रसंग को जब भी वो याद करते हैं तो वो बहुत भावुक हो जाते हैं। उसी के साथ ही उनकी जो दादी माँ की जो छाया है वो धुंधली होने लगती है और तभी एक खजूर के पेड़ से एक काग कौवा उड़ करके आता है और लेखक के खिड़की पर बैठ जाता है। लेखक अचानक उनको देखते हैं क्योंकि ये खोए हुए थे दादी माँ के प्यार स्नेह हैं उनकी बातों में कि वो कौवा आकर के खिड़की पर बैठ जाता है और इनका जो वो ध्यान है वो हट जाता है। उसके बाद उनके हाथों में एक पत्र होती है, जो पत्र खत जो है किशन भैया ने लिखा था और किशन भैया के जो खत है उसको देखने पर ऐसे लगता है, क्योंकि जब हमारा ध्यान नहीं होता है तो जब हम किताबों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि काले जो अक्षर है वो काली चींटियां हैं जो कि चल रही हैं। लेखक के हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र लिखा जो उसने भेजा था, उनके भैया ने उनको पत्र लिखा था, वो पत्र देख रहे थे और पत्र देख करके उनका ध्यान हट गया। ध्यान में वो दादी को ले आए, ये जो सोच रहे थे ये सब उनका ध्यान था। अब वो देखते हैं कि उस पत्र के जो लिखे हुए लिखावट हैं वो सारे जो है ऐसे लग रहे हैं जैसे काली चींटियां उस पर चल रही हैं। कभी कभी हमारा भी ध्यान नहीं होता है, हम किताबों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि काले अक्षर जो है सब चल रहे हैं। इसी प्रकार लेखक को भी लग रहा था कि ये जो है सारे काली चींटियां हैं जो कि चल रही हैं, और वो अपने आप से सवाल कर बैठते हैं, क्या सचमुच मेरी दादी माँ अब नहीं रही। तो बहुत ही अच्छी कहानी लिखा है लेखक शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया यह कहानी बहुत ही अच्छा है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आपके घर में भी जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, सब बुजुर्गों की बातों को आप सुनिए, क्योंकि उनके जो दिए गए कहानियां हैं या वो जो शब्द बोल रहे हैं वो आगे चलकर आपके जीवन में मार्गदर्शन का काम करेंगे। इसी को बताने की कोशिश किया है शिव प्रसाद सिंह जी ने। बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा, इस पाठ में आए कठिन शब्दों को हम देखेंगे। शुभ चिंतक, भला सोचने वाला, यह इसका अर्थ है, भला सोचने वाले। दूसरा नंबर है अदृश्य, जो दिखाई ना दे। तीसरा नंबर विहल, बेचैन, बेचैन होना। चौथा नंबर है अभय दान, माफी। पांचवा नंबर है माघ, माघ जो है जनवरी का महीना, जिसको हम अंग्रेजी में जनवरी का महीना कहते हैं उसे हिंदी में माघ का महीना कहते हैं, या हिंदू कैलेंडर जो होता है उसमें माघ का महीना कहते हैं। छठे नंबर पर है धूमिल, धूमिल होना मतलब धुंधली होना, जैसे लेखक की जो दादी की जो छवि है वो धूमिल होती जा रही थी। धूमिल मतलब उसकी जो उनको जो दादी की जो चेहरे है वो धुंधली होती जा रही। बच्चों, इस पाठ में हमने बहुत सारे महीनों के नाम देखा, जैसे आषाढ़ का महीना, माघ का महीना, माघ का महीना ठंडी का महीना है यानी जनवरी का महीना। तो ये हम अक्सर अंग्रेजी में बोल लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन हम हिंदी में नहीं बोल पाते हैं। जैसे हमसे कोई पूछता है कि कार्तिक मास के बाद कौन से मास आते हैं तो हमें याद नहीं होता है। तो हम इसको एक एक्टिविटी के तौर पर करेंगे। हम चैत्र मास, ये जो है हिंदू कैलेंडर जो है वो मार्च से शुरू होती है, तो मार्च को क्या कहते हैं, चैत्र मास कहते हैं। वैशाख मास अप्रैल, ज्येष्ठ माह जो होता है वो मई, आषाढ़ माह जून, आषाढ़ जो कि इस पाठ में दिया गया था, जून की गर्मी वाले महीने का जिक्र किया गया था। श्रावण माह जुलाई, आर्द्र पक्ष माह अगस्त, अश्विन माह सितंबर, कार्तिक माह अक्टूबर, मार्गशीर्ष माह नवंबर, पौष माह दिसंबर, माघ माह जनवरी। माघ माह का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, माघ महीने में उनकी दादी जो है वो ठंडी में नहा करके आती है। फाल्गुन माह फरवरी। तो आप इन माह के जो नाम है उसको आप एक्टिविटीज की तरह, एक एक्टिविटीज की तरह करेंगे, जिस तरह से मैंने इस तरह से किया है। अलग अलग कलर के जो पेपर्स हैं, अलग अलग कलर्स के जो पेपर्स हैं उसे चिपका कर उस पर नाम लिख दिया गया और इसे आप अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरह के कलर पेपर ले लें या रंगीन पेपर लें, आप सफेद पेपर को भी ले सकते हैं, इसी तरह पीसेस में कट कर लीजिए
काटने के बाद उसमें नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद जो वैक्स कलर होता है उस वैक्स कलर से अलग अलग कलर मार दीजिए ताकि आपको जानने में समझने में आसानी हो। बच्चों अभी हम क्रियाकलाप दो करेंगे। पहले क्रियाकलाप में हमने महीनों के नाम देखे, अब दूसरा क्रियाकलाप इस पर कर सकते हैं। मेरी दादी माँ, आप सभी बच्चे अपनी दादी माँ के बारे में 5 वाक्य अपने से लिखेंगे। अपनी अपनी दादी के अपने अपने अलग अलग महत्व है, अलग अलग दिखती हैं, अलग अलग प्यार है, अलग अलग स्नेह है, ममता है, सब कुछ अलग अलग है। इसीलिए आप सभी लोग 5-5 वाक्य अपनी अपनी दादी के बारे में लिखेंगे और दादी का चित्र यहाँ पर लगाएंगे। इस पाठ में हमने बच्चों देखा कुछ ऐसे शब्द आए हुए हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि छू छू कर दादी माँ ने ये अनुमान लगाया कि लेखक को कितना बुखार है। वो बार बार जाती थी और बच्चे को जाकर के छू कर देखती थी और देख करके उसे अंदाजा हो रहा था कि उसका बदन कितना तप रहा था और उसका बुखार कितना बढ़ रहा था या घट रहा था। दूसरा है पूछ पूछ कर, वह सभी से पूछ पूछ कर ये जानने की कोशिश करती कि क्या हो रहा है, क्या बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो हाथ धोकर आ रहे हैं, पैर धोकर आ रहे हैं, या उसके लिए जो खिचड़ी बनी हुई है वो खिचड़ी गली है, वो खिचड़ी पतली बनी है, वो पचा सकता है या नहीं। तो वह है पूछ पूछ कर। इसी प्रकार बच्चों हम इसी पाठ को पढ़कर 5 वाक्य लिखेंगे। पहला रो रो कर, रो रो कर का जो वाक्य है वो क्या बनेगा, रो रो कर बच्चा सो गया। दूसरा है बोल बोल कर, बोल बोल कर मैं थक गई। हमने ये बात हमेशा सुना है, माँ कहती है मैं बोल बोल कर थक गई। तीसरा है खेल खेल कर, मैं खेल खेल कर आया हूँ या मैं खेल खेल कर थक गया, क्योंकि हम जब ज्यादा खेलते हैं तो हम थक जाते हैं, इसीलिए खेल खेल कर थक गया। चौथा नंबर है हंस हंस कर, हंस हंस कर हम लोट पोट हो गए। जब हम ज्यादा हंसते हैं तो बहुत गिर गिर के हंसते हैं तो वो वाक्य बनेगा हंस हंस कर लोट पोट हो गए। पांचवा नंबर खा खा कर, तो कहते हैं खा खा कर मोटा हो गया। किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं कि तुम जो है खा खा कर मोटे हो गए हो। तो इस तरह के जो शब्द हैं इसे आप ढूंढेंगे अपने पाठ्य पुस्तक के माँ पाठ में आप ढूंढेंगे, क्योंकि इससे और भी शब्द दिए गए हैं, जैसे ढूंढ ढूंढ कर जा जा कर, ऐसे शब्दों को आप इकट्ठा करेंगे। दादी माँ पाठ में आए हुए प्रश्नों को हम हल करेंगे। लेखक को अपनी दादी की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो दादी माँ को जब याद करते हैं, दादी माँ को जब लेखक याद करते हैं तो दादी माँ के साथ क्या क्या बातें उनसे जुड़ी उनको याद आ जाती है। दादी माँ का वह प्यार, वह जब बीमार होते हैं दादी माँ का वह प्यार, और जब लेखक बीमार होते हैं उनकी सेवा, उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका जिम्मेदारी, सब कुछ याद में आ जाता है लेखक को। दूसरा प्रश्न है दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। हमने पढ़ा पाठ में कि लेखक के सभी गांव वालों ने मिलकर उनको यह कहा गया कि श्राद्ध का जो काम है वो बड़े पैमाने पर होना चाहिए, और दादी के मना करने के बावजूद भी उनके पिताजी ने बहुत संपत्ति खर्च कर दी थी, इसीलिए उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तीसरा प्रश्न है दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ का जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसमें से कोई एक स्वभाव को हमें बताना है तो हम ये बता सकते हैं कि दादी माँ जो है इतनी स्नेह और ममता की मूर्त थी कि वो अपने बच्चों को तो प्यार करती ही थी, साथ में वो पूरे गांव वालों की भी खबर रखती थी और सभी के भलाई के बारे में वो सोचती थी। कहीं पर भी कोई भी बीमार होता वो अपने से चली जाती
और जा करके वहाँ का समय जो है यह देखने में लगा देती कि उस बीमार व्यक्ति को क्या खाने को दिया गया, उस व्यक्ति को क्या बीमारी है, वो कैसे ठीक होगा, तब तक वो सारी जानकारी प्राप्त करती रहती है। वह भाग जो है बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए तो काम करती है, साथ में वो सारे लोगों को भी वो देखना चाहती है। या बच्चों, हमने देखा कि यह पाठ दादी माँ और दादी माँ की जो कहानी है, शिव शंकर प्रसाद सिंह जो द्वारा लिखित अपनी ही दादी की कहानी को हमने देखा। हम अपने घरों में भी दादियों को देखते हैं, नाना को देखते हैं, नानी को देखते हैं, दादाजी को देखते हैं, सभी के बातों को हम सुने, उनके मार्गदर्शन पर हम चले, ताकि हम जीवन में सफलता को प्राप्त करें। अगली क्लास तक के लिए बाय बाय।